कल का ट्रेलर आ चुका है और पूरा ट्रेलर देखते वक्त मेरे को ऐसा एक भी नहीं लगा कि मैं इंडियन मूवी का ट्रेलर देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी इंडियन मूवी का ट्रेलर देखा है कहीं ना कहीं वीएफएक्स में प्रॉब्लम मेरे को दिखी है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई इंडियन मूवी का ट्रेलर देख रहा हूँ और मुझे वीएफएक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। कल्कि का ट्रेलर पूरा इन्होंने 3 मिनट का निकाला है। मैंने पहली बार इसको बाहर से देखा तो मेरे को लगा भाई इन्होंने 3 मिनट में तो पूरी स्टोरी बता के रख दी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने स्टोरी को नाम मात्र के रिवील किया है, जो काफी अच्छी बात है। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे हुए हैं इन्होंने, हमने ट्रेलर में ही काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स नोटिस कर लिए हैं। कल्कि की कास्ट अब कम्प्लीटली रिवील्ड है, जो कि है अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, रिजा पठानी और हमारे भैरवा यानी कि प्रभास। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो भैरवा है वो मूवी का मेन कैरेक्टर है, बट वो कल्कि नहीं है, क्योंकि वो भैरवा है कल्कि नहीं। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण जो है तो वो कल्कि की मदद बताई जा रही है, जैसा कि अभी तक हमने ट्रेलर में देखा है। और जो हमारा अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर होने वाला है यानी कि अश्वत्थामा जो है, तो दीपिका पादुकोण को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और इसके अलावा मूवी का वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, आप इसमें काफ़ी सारे अच्छे शॉट्स देख सकते हो। मूवी में अगर बेसिक स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे पहले सभी को लग रहा था कि कई सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे छोटे छोटे शहरों में लोग रह रहे होंगे और एक कोई बड़ी प्लेस होगी, जैसा कि हमने आज तक की इस तरह की मूवीज में देखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेलर की स्टार्ट कन्फर्म कर दिया जाता है कि दुनिया का पहला शहर और दुनिया का अंतिम शहर दोनों एक ही है, यानी कि वाराणसी, जहाँ की पूरी स्टोरी है। कल्कि के मेकर्स ने ऑलरेडी जो एनिमेटेड सीरीज 15-15 मिनट के 2 एपिसोड्स निकाले थे भैरवा एंड भुज्जी नाम से, उसमें आपको इस वर्ड के बारे में काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आप उसे जाकर एक बार देख लेना ये मूवी देखने से पहले। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको एक यूनिट का मतलब समझ में आया होगा, वहां का एक मनी टाइप का सिस्टम है। और यहां पे मैं एक बार बात बताना चाहूंगा, जहां एक यूनिट की बात हुई है वहां आपने देखा होगा तो दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर है उसके ऊपर 5 स्टार की बाउंड्री, जिसको कैप्चर करके लाने पे 1 यूनिट मिलेगा। 1 यूनिट में तुम कॉम्प्लेक्स में जाकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हो, इतना ज्यादा पैसा है। तो आप समझ ही सकते हो कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है मूवी के लिए। और यहाँ पे जो है तो भैरवा हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है, अगर बाद में मूवी में ट्विस्ट लाने वो कुछ ऐसा करें कि भैरवा ही हमारा मेन कैरेक्टर कल के निकले, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है तो उन्होंने कम्प्लीटली दीपिका पादुकोण से बोला था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और भैरवा को उसी लड़की को हंट करने के लिए भेजा जाए, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जो भैरवा है वही कल्कि होने वाला है और जो कल्कि है वही भैरवा। और इसके अलावा कमल हसन का जो हमें सिंगल शॉट सिंगल डायलॉग दिखाया गया है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। जितना मुझे पूरे ट्रेलर में मजा नहीं आया उतना सिर्फ कमल हसन का एक डायलॉग सुन के आ गया। जहां तक है कल्कि के पार्ट 1 अभी आ रहा है, पार्ट 2 पार्ट 3 की भी प्लानिंग चल रही है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे को ये लग रहा है कि कल्कि जाएगा, दीपिका पादुकोण को लाएगा, या फिर लास्ट में उसको कुछ सच्चाई पता चलेगी, कुछ जैसा कि ट्विस्ट कुछ आएगा और कल्कि जो है तो साइड चेंज कर लेगा, क्योंकि हमने मूवी में देखा कि वो बोला है सिर्फ खुद की साइड होती है, इसीलिए उसको आई थिंक बाउंटी हंटर में भेजा जा रहा है। तो जब कल्कि साइड चेंज करेगा तब आई थिंक कमल हसन, जिसको सुप्रीम कमांडर गॉड बताया जा रहा है, वो आगे आएंगे, वो बोलेंगे कि अब मैं ही देख लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। ओवरऑल कल्कि का ट्रेलर मेरे को बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा, इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स हैं जो आपको मैं ब्रेक डाउन वीडियो में बताऊँगा, ज़्यादा कुछ डिटेल्स देखने को नहीं मिले, पर मेरे को ओवरऑल ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं फाइनली कल्कि के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको कल्कि का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।